देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चार के चक्रियों में। आज हम आपको चार तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि आज हम आपको एक ही तस्वीर के कई पहलू दिखाएंगे। कोरोना ये शब्द 2020 से पहले कभी किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब तो इसके कई उपनाम सुनने के लिए मिल रहे हैं। लोग अब इससे परिचित हो चुके हैं। इसने लोगों को बहुत दुख दिया, किसी ने अपनों को छीन लिया तो किसी को पराय कर दिया। आज उन्हीं तस्वीरों पर बात करेंगे, क्योंकि अब भी ये बहरूपिया लगातार लोगों को डरा रहा है और डर के साए में जीने को मजबूर कर रहा है। लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ये सब देखा और ऐसे जीने पर मजबूर हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो बीत गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आने वाले समय को लेकर चेताया जा सकता है और एक हद तक रोका भी जा सकता है। पहले आपको ये बताएं कि दूसरी लहर के क्या हाल है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 49,000 नए कोरोना केस, 39,000 नए कोरोना केस और 500 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले शुक्रवार को 35,000 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से ज्यादा बनी हुई है। कुल 4,08,000 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,32,000 लोग संक्रमित हुए हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि ये खबर आज के लिए है और चार का चक्रव्यूह में आज ये स्पेशल बुलेटिन आपके लिए ही है। इनमें से 4,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,05,03,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 42,78,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। एक बार आपको फिर से आंकड़ा बता देती हूं, 23 जुलाई तक देश भर में 42,78,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, यानी बीते दिन 42,67,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 45,45,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16.31 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है, यानी देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है। यानी अब भी ये एक आंकड़ा है, इसे हमें शून्य करना है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है, जिसे हमें 100% करना है। एक्टिव केस 1.30% है, इसे भी शून्य पर लाना है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया भर में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं राज्यों में कोरोना की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले आए और 167 लोगों की मौत हो गई। महामारी के मामलों की कुल संख्या 62,00,000 से ज्यादा है, जबकि मृतकों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा हो गई है। ये हाल है महाराष्ट्र के। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,91,732 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और राज्यों का भी हाल जान लेते हैं। उत्तराखंड में 11 नए मामले आए हैं। प्रदेश के 11 जिलों में से 7 में महामारी का कोई नया मामला नहीं मिला है, जबकि देहरादून सहित 3 जिलों में केवल 1-1 मरीज मिले। सर्वाधिक 4 मरीज नैनीताल जिले में सामने आए हैं। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं।
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित हुए लोगों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हुई है। वहीं तमिलनाडु में 1830 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 25,44,870 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 24 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की कुल तादाद 33,000 तक पहुंच गई है। तो ये कुछ राज्य थे जिनका आंकड़ा हमने आपको बताया है। क्या स्थिति है उन राज्यों में वो आपको बताई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जो तबाही मचाई है वो किसी से नहीं छिपी है। ऐसे में कोरोना के मामले पर काबू पाने के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किए 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन जितनों को वैक्सीन देने की बात थी अब तक उस आबादी के करीब 5% लोगों को ही वैक्सीन मिल पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल भारत एक दिन में 40 लाख लोगों का टीकाकरण कर रहा है। कागजों में तो यही नजर आता है, हकीकत कुछ और ही है। लेकिन साल के आखिर तक टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को हर दिन में 80 से 90 लाख लोगों को वैक्सीन देनी होगी। जनवरी में एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद टीकाकरण अभियान हाल के महीनों में धीमा पड़ गया, जिसकी वजह वैक्सीन की सप्लाई का कम होना और नए वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने में देरी होना है। ज्यादातर देश, जिसमें अधिकतर विकासशील देश शामिल हैं, वो कोरोना वैक्सीन हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन टीकाकरण अभियान की शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भारत भी इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को वक्त से पहले ऑर्डर नहीं दिया, ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। अप्रैल में आई कोरोना की दूसरी घातक लहर की वजह से उन्हें अपने अभियान का दायरा जल्दी की पूरी व्यस्त आबादी के लिए बढ़ाना पड़े। ये संख्या करीब 1 अरब है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत का टीकाकरण अभियान कैसा चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 जनवरी से अब तक भारत में वैक्सीन की 39.93 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। करीब 31 करोड़ 20 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी है। शुक्रवार को भारत में कोरोना संक्रमण के 38,000 नए मामले दर्ज किए गए, जो मई महीने की शुरुआत में आई दूसरी लहर के पीक के 10वें हिस्से से भी कम है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तीसरी लहर का आना तय है, क्योंकि नए कोरोना वेरिएंट्स के खतरों के बावजूद पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया गया है। वैक्सीन डोज की रोजाना की औसत संख्या में आई गिरावट ने भी विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इसमें एक जेंडर गैप भी है। सरकारी डाटा के अनुसार है कि 14% से कम महिलाओं को टीका लग रहा है। ग्रामीण भारत में ऐसा ज्यादातर देखा जा रहा है, जहां इंटरनेट तक महिलाओं की सीमित नहीं पहुंच रही है और वो टीका लगाने से हिचकिचाती हुई या डरती हुई नजर आती है या उतनी जागरूक नहीं है। इसके मुकाबले शहरी इलाकों में टीकाकरण की दर ज्यादा है। ये भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था तक पहुँच में असमानता को दिखाता है। राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सवाल किया, हमारे देश का वैक्सीन प्रोग्राम इतने दिनों बाद भी क्यों लड़खड़ा रहा है। ये सिर्फ मनीष सिसोदिया का सवाल नहीं है, ये हर एक विपक्ष का सवाल है। मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बताया कि शहर में वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है, जिसकी वजह से कई सरकारी सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है और वैक्सीन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिस प्रचंड वेग से आया, हम सब हिंदुस्तानियों ने, हमारे अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुशल निर्देशन में उनके जमकर मुकाबला किया और समय रहते ही कोरोना पर काबू पा लिया। आज
हम लोग टीकाकरण में पूरे विश्व में जितना टीका बन रहा है उसका 60% हिंदुस्तान की धरती पर हम आज बना रहे हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को जितना टीका हो चुका है उतनी तो देशों कई देशों की आबादी ही नहीं है। हमने 40 करोड़ से ऊपर टीका हमने लगाया हिंदुस्तान के लोगों को, और अब टीके के प्रति उत्साह देखने में आ रहा है। बीच में कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा कितनी भ्रांति फैलाई गई उसका भी असर रहा, लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने इस चीज को देखा और देखने के साथ अब टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़ आ रही है और रोज बहुत भारी मात्रा में पूरे देश में टीकाकरण किया जा रहा है। हिंदुस्तान पिछले 2 सालों में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाना था बहुत आगे बढ़ाया। पीपी किट से लेकर टीकाकरण चाहे और अन्य साधन जो हमारे पास कुछ नहीं हुआ करते थे आज हमने हिंदुस्तान में करने का काम किया है। हिंदुस्तान धन्य है और ऋणी है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कुशल नेतृत्व ने हमारे देश को एक दिशा दी और इस भयानक त्रासदी से लड़ने की हिम्मत दी, और हम लड़कर आज विश्व में एक अग्रणी रूप में खड़े हुए हैं जिसमें कुछ हानियां भी हुई हैं। तो जब युद्ध होता है तो नुकसान तो होता है, और वो युद्ध प्रकृति के खिलाफ हमने लड़ा और आज हम विजय के उस पर मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन आगे मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम तीसरे लहर के लिए हम सचेत रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और जो भी कोरोना प्रोटोकॉल हो उसका पालन करें। सभी को पता है, वैज्ञानिकों ने इस बात को बता दिया है, WHO ने बता दिया है कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र भी विकल्प है, लेकिन भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन उत्सव तो मना लिया लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। वैक्सीनेशन सेंटर से लोग वापस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत ये हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको कोई जानकारी नहीं है और ना तो वो विशेषज्ञों की राय लेते हैं ना मानते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही शिथिल और सुस्त प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश सरकार की। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यदि शीघ्र से शीघ्र वैक्सीनेशन न कराया गया तो आने वाले समय में बिना वैक्सीनेशन के लाखों लोगों की जान पर संकट है, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ निचली और छिछली राजनीति में व्यस्त है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उनको उत्तर प्रदेश की लोगों से कोई परवाह नहीं। इतने दिन हो जाने के बाद सिर्फ अभी 3.5 करोड़ लोगों को डोज लगी उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ में सिर्फ 3.5 करोड़ बहुत ही कम है। हम मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र वैक्सीनेशन हो। श्री राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है, शीघ्र से शीघ्र ही वैक्सीनेशन ही उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों की जान बचा सकता है। भाजपा सरकार लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही शिथिल है। देश के अंदर कोरोना के दूसरी लहर के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मिलकर टीकाकरण उत्सव मनाने का फैसला किया, लेकिन आज फंस रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जनपदों में जहाँ टीकाकरण शुरू हुआ वहाँ टीका के अभाव में टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है जिस अनुपात में टीका लगना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, और ये निश्चित रूप से आने वाली तीसरी लहर के लिए आम जनता के लिए बड़े खतरे का संकेत। दरअसल जून में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन की 1.35 अरब डोज उपलब्ध होंगी और भारत में सभी योग्य वयस्कों का टीकाकरण करने के लिए सरकार को वैक्सीन के करीब 1.8 अरब डोज की जरूरत होगी। अदालत में दिए हलफनामे में सरकार ने यह बताया था कि अगस्त से सितंबर के बीच 5 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध होंगी। सरकार ने कहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन की 50 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 40 करोड़, भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई के वैक्सीन की 30 करोड़, रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ और अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की जाइड कोविड डी के कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति की कमी लगातार बनी हुई है और रिपोर्टों की माने तो जुलाई में यह अभियान अपने लक्ष्य से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत
कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है ये भी आपको बता देते हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देते हैं, भारत में फिलहाल टीकाकरण के लिए 3 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली हुई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे स्थानीय तौर पर कोविशील्ड कहा जा रहा है, भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस में बनी स्पुतनिक वी। सरकार ने भारतीय फार्मा कंपनी सीप्ला को भी मॉडर्ना की वैक्सीन आयात करने के लिए अधिकृत किया है। क्लिनिकल स्टडीज में ये वैक्सीन कोविड 19 के खिलाफ लगभग 95% प्रभावकारी पाई गई है, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि भारत में इसकी कितनी डोज उपलब्ध होंगी। कई और कोरोना वैक्सीन भी अप्रूवल की अलग अलग स्टेज पर है। देश में टीकाकरण स्वैच्छिक है, यानी जो टीका लगवाना चाहे वही लगवाए। सरकारी क्लिनिक और अस्पतालों में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन लोग भुगतान करके प्राइवेट अस्पतालों में भी इसकी डोज ले सकते हैं। सरकारी क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अस्पतालों में फ्री डोज मुहैया कराने के लिए सरकार करीब $5 अरब का खर्च कर रही है। वही हमने कई जगहों का रियलिटी चेक किया है, जरा वो भी देख लेते हैं कि क्या है वैक्सीनेशन का हाल। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के जिला अस्पताल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो वैक्सीन कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है वो करा रहे हैं, और जो 3-4 लोग हैं यहाँ पर ये लाइन में लगे हुए हैं। लगातार जो सुबह से है कार्य जो चल रहा है वैक्सीनेशन का, रजिस्ट्रेशन लोग यहाँ पर करा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप यहाँ पर किस खड़े हैं? वैक्सीन लगवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सेकंड वैक्सीन लग रही है आज की तारीख में। जी हाँ। कितने लोग आपके परिवार में वैक्सीन लगवा? अभी तक मैंने लगवाई है, हॉस्पिटल था उन लोगों में स्टाफ से। यहाँ और भी हमारे साथ यहाँ लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। वैक्सीन लगवाने हैं जी। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ जी हो गया। कितनी तारीख का आपकी जो डेट है वो मिली है? डेट आज ही की मिली हुई है जी। लोगों को आप इससे क्या कहना चाहेंगे, लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीन। तो देखो, महामारी का टाइम चल रहा है, वैक्सीनेशन ही समाधान है। बाकी जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। कितने सुरक्षित हैं लोग वैक्सीन लगवाते हैं? वैक्सीन के आधार पे 95% कुछ बोला जाता है इसके बारे में, तो लगभग इतने सुरक्षित हैं लोग। 95% लोग वैक्सीन लगवाने के बाद सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और जो ये रूम है आप देख सकते हैं मेरे साइड में, जो रूम है यहाँ पर वैक्सीन लगाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। जो स्टाफ है वो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहा है। इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमबाला है। ये बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक आप लोग कितनी डोज यहाँ लगा देते हो वैक्सीन? अरे मैंने तो यहाँ पर 370 तक लगाए हैं, और कभी 200, कभी 250, कभी 300, ऐसे यहाँ पे 400 तक पहुँच जाते हैं। लोगों में कितना रुझान है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन को लेकर लोगों में बहुत रुझान है। अब पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब तो बहुत लोग लगवाने के लिए आ रहे हैं। कितनी उम्र के लोग ज़्यादा वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं? हमारा तो जो पोर्टल है वो 45+ का है, तो यहाँ पे 45+ की फर्स्ट और सेकंड डोज लग रही है, और कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है यहाँ पे। और 18+ वाली इधर बराबर में ही लग रही है, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, वहाँ पे भी बहुत लोग लगवाने के लिए आते हैं। कितने सुरक्षित आप मानते हैं लोगों को वैक्सीन लगवाने से, कितने सुरक्षित लोग हो जाते हैं? मैं तो मानूंगी कि जो है 95% सुरक्षित हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रक्रिया है वो क्या है आप बताइए? रजिस्ट्रेशन तो हम हाथ के हाथ ही कर देते हैं। हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हाथ के हाथ ही हम टीका लगा देते हैं। लेकिन जो वो है 18+ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वो करा के भी आते हैं, और किसी किसी का हो भी जाता है। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ होती है सुबह से लेकर शाम तक, लोग कितना सहयोग करते हैं आपको? हाँ, नहीं हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से कवर कर लेते हैं। कई लोग यहाँ पे हम लगे हुए हैं, पोर्टल पे भी हैं, हमें कोई ऐसे कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से कवर कर लेते हैं। जैसा कि बताया कि जो ये सेंटर है, इस सेंटर पे कम से कम 300 से 400 लोगों को सुबह से शाम तक वैक्सीन जो है वो स्टाफ लगा चुका है, लगा देता है अभी तक। और जो लोग हैं वो हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पर वैक्सीन के लगवाने के लिए आते हैं। बुलंदशहर से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ लोकेश कुमार। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए एकमात्र हथियार है वैक्सीनेशन, और जिला प्रशासन से लेकर शासन तक युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करने के आदेश निर्देश दिए हुए हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में कम से कम 100 जगह वैक्सीनेशन होता है, प्रतिदिन होता है।
ऐसे में वैक्सीन जो हो रही लग रही है और वैक्सीनेशन सेंटरों पर क्या स्थिति है उसी को जानने के लिए आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मौके पर पहुंची हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस लाइन के ठीक बराबर में और ये पूरा इलाका पॉश इलाका है, यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंचे मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश गौड़। आकाश जी ये बताइए कब आए थे वैक्सीन लगवाने के लिए? अभी 15 मिनट पहले आए थे। अच्छा वैक्सीन लग गई? हाँ वैक्सीन लग गई। कितने लोग थे? हम लोग 7 मेंबर हैं। अच्छा कितनी देर में आ गया नंबर? ये 15-20 मिनट में आ गया था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? करनी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा पहली वैक्सीन लगी है दूसरी? फर्स्ट डोज लगी है। इतना समय कैसे लग गया? एक्चुअली थोड़ा मिल नहीं पा रहा था अपॉइंटमेंट और थोड़ा मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था इस चक्कर में। अपॉइंटमेंट लेने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कैसे लेना पड़ता है? नहीं नहीं आराम से, हम इस पे कोविन करके इनका एक ऐप है उसमें हम लोग गए थे, वहाँ हम लोगों ने अपना डाला पोर्टल में तो हमें मिल गई थी अपॉइंटमेंट। अच्छा कौन कौन है घर में सदस्य? कौन कौन आए? मेरे जिया जी हैं और दीदी हैं, उनकी मदर इन लॉ है, मेरी वाइफ है और मेरी भांजी है। अच्छा ये बताइए कब आए थे आप लोग, कितना समय लगा यहाँ पर और कोई दिक्कत परेशानी किस तरह? नहीं दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई, हम 15-20 मिनट पहले ही आए थे, साथ ही आए थे। वैक्सीन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत अच्छी तरह लगाया है, बढ़िया है। आपको पहला नंबर है या दूसरे डोज है? पहली है। पहली डोज। अच्छा सीनियर सिटीजन को बोला जाता है कि समय से लगवाने, इतना समय कैसे लगता है? अच्छा तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन सी डोज लगी है? फर्स्ट डोज। इतना समय आपको कैसे लग गया? बस फैमिली के साथ ही आना था। फैमिली के साथ आना, तो हालांकि डोज जो लेने की बात आ रही है वो इजिली लोग ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर नगरीय प्राथमिक पुलिस लाइन जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो चल रहा है। कैमरे से कहूँगा दिखाएं, हालांकि यहाँ पर भीड़ की व्यवस्था जो है वो नहीं है क्योंकि भीड़ नहीं है और जाहिर तौर पर काफ़ी समय से वैक्सीनेशन चल रहा है तो भीड़ नहीं मिलेगी। जिन लोगों को लगवानी थी वो युद्ध स्तर पर लगाया गया वैक्सीन और इसीलिए शायद भीड़ कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग बचे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है, वैक्सीनेशन होना है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं और देखिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर डॉक्टर्स बैठे हैं और वैक्सीनेशन चल रहा है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर कोई समस्या कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए आप कब से बैठे हैं वैक्सीन लगाने के लिए? सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। कितने लोग लगते हो अब तक? 159 लोगों को लगा, चेक करके बताना जरा कितने लोगों को। अच्छा बताइए कितने लोगों को लग चुका है? 120 लोगों को लग चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? किस तरह की? कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है? हाँ वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है अभी तो। आप तस्वीर में देखेंगे वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो चल रहा है। अच्छा ये आप बता सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? क्योंकि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर भ्रमतियाँ हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। ये सेशन जो है ये फ्री सेशन है, कोई भी आ सकता है। फर्स्ट और सेकेंड डोज वाला हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन करके उसको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो देखिए डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए और सबको वैक्सीन लगेगी, सबका नंबर आएगा, चूंकि सबका अधिकार है, केंद्र सरकार के सीधे निर्देश है कि वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये माता जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रही हैं कि काफी समय से खड़ी है, टोकन नहीं मिला है और वैक्सीन के अभी इनका नंबर नहीं आया, काफी समय हो गया, अभी क्या दिक्कत आ रही है? टोकन दे रहे हैं, टोकन दे दें, हम कह रहे हैं पेशेंस रखिए, हम देंगे, हम करेंगे, हम लगाएंगे। अभी तो थोड़ी देर बाद कह रहा मैं दूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, ऐसे कह दिया। अभी तो वादा कर रहे हैं वो देंगे? वो कह दिया बिल्कुल नहीं देंगे, पूछ लो चाहे। अब जो है एक काम करिए, मेरा नंबर लीजिए, अगर नहीं देंगे तो मुझे बताइएगा। वो ये कह रहे हैं 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटा बाद देंगे लंच के बाद। आप कहाँ रहते हैं? हम रहे जेलचुंगी। जेलचुंगी दोबारा आना पड़ेगा तुमको? हाँ तो और क्या। अच्छा ये दिक्कत है, जेलचुंगी आसपास वैक्सीनेशन नहीं हो रहा? ना। कहाँ हो रहा है आपके? यहीं पे हो रहा है, इसके अलावा करलाल में हो रहा है। ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा लोगों को जो है दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, हालांकि करीब 90 जगह या 100 जगह वैक्सीनेशन चल रहा है। टोकन की अभी बात करेंगे, हमारी बात हुई है पेशेंस रखने को बोल रहे हैं, हम भी यही हैं, अगर नहीं देंगे तो हम यहीं पर पूछेंगे क्यों नहीं दिया गया, आप पेशेंस रखिए। अच्छा सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, जगह जगह हो रहा है, लेकिन लोग काफी दूर से दूर तक जा रहे हैं और इस बीच में अगर
समस्या आती है, देरी होती है तो लोगों को काफी समस्या होती है। ऐसे में लोग वापस भी चले जाते हैं और जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो लगवा नहीं पाते हैं। हालांकि ये जो लोग मुझे मिले हैं इनसे हमने भी वादा किया है कि वैक्सीन जरूर लगेगी, आप नहीं जाइएगा, आपको टोकन दिलाया जाएगा, अगर नहीं देंगे तो कोई वजह होगी तो पूछा जाएगा, सीएमओ अखिलेश मोहन से भी इस बारे में बात की जाएगी अगर कोई समस्या आती है। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन इजीली चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दूर से लोग आ रहे हैं जिनको टोकन नहीं मिल रहा है, कोई वजह हो सकती है, वो भी वजह जानेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए उस तरीके से हो पा रहा है, जगह जगह वैक्सीनेशन हो रहा है और बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अपने सहयोगी रियासत के साथ मैं अमर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। मेरे साथ अभी जो व्यापारी गण है जो वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं, लेकिन उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आप आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम परेश भाई भट्ट है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि भाई जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं वो लोगों 31 जुलाई तक कैसे भी करके अपना वैक्सीनेशन पूरा कर ले। इसी वजह से लास्ट 4 दिन से मैं यहाँ प्लस माइनस करके आ रहा हूँ, लेकिन वो 5 मिनट में वे टोकन सिस्टम की सिस्टम खत्म हो जाती है। तो आज मैं अभी 11:30 तक बैठा हूँ और मैंने भी इंक्वायरी किया है कि भाई आपने टोकन दिया फर्स्ट डोज के लिए या सेकंड डोज के लिए, 100-125 टोकन जो भी दिया आपने, वो टोकन में कुछ कैंसिलेशन हो तो उसका यूजिंग आप कर सकते हैं या पब्लिक को दे सकते हैं। बाकी जो जिसके पास टोकन नहीं है तो वो बोलते हैं उसके उसकी कोई जानकारी नहीं है और वो टोकन नहीं देते। तो और चार के चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तमाम मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।